तो 9 लाख तक भी रैंक जाती है। अगर आपका रैंक भी 9 लाख के आसपास है तो वीडियो को कंप्लीट देखो, पूरी जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा। माई सेल्फ विनय प्रसाद, स्टूडेंट ऑफ BMS फाइनल ईयर। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके मार्क्स 200, 250, 150 के आसपास हैं और अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको जो है डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपके खुद के स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन थी। हमने लास्ट की जो वीडियो थी हमने उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कौन सी काउंसलिंग करानी है, और आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कौन सी काउंसलिंग करानी है। अब क्या है कि स्टूडेंट के काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ सर, ठीक है, कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। क्योंकि जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग की जो अपडेट आई थी उसमें ये बताया गया साफ साफ कि डबल ए ट्रिपल सी में जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगी और डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट समझ में आ गया, सेमी गवर्नमेंट भी समझ में आ गया, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट भी है वो भी समझ में आ गया, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है काफी कंफ्यूजन है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है सर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, ओके, यह प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है एक्चुअल में, काफी कंफ्यूजन है बच्चों को, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट, यानी कि भारत में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, जो आपको BMS की कोर्स प्रोवाइड करती है, उन सभी कॉलेजेस की, सभी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ पार्टिकुलर आपके जो है 8 से 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, साथ ही साथ जो है उनकी क्लोजिंग रैंक के बारे में बताऊंगा आपको, ओपनिंग रैंक के बारे में बताऊंगा और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा, ओके। दूसरी चीज़ की एडमिशन प्रोसेस, आपको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है आपने, ठीक है, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कितनी सीटें जो है इसके डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करती है, ये सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, और लास्ट ईयर कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप BMS में एडमिशन की सोच रहे हो, ठीक है, और आपके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, या फिर आपके पास बजट की दिक्कत है, आप उतना महंगी कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाओगे जो 18 लाख 20 लाख तक पैकेज आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे टीम से बात करें और हमारी पेड काउंसलिंग द्वारा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि 8 से 10 लाख के बीच में, 11 से 12 लाख के बीच में जो है आपको पूरी कोर्स कंप्लीट कराने वाली 20 साल 25 साल पुरानी जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो BMS से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो देखते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या एक्चुअल में, ओके। तो बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है ना, यह एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपकी बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करती है और रिकॉग्नाइज होती है ये UGC से, ओके, UGC से जो है आपको ये रिकॉग्नाइज करती है। जितनी भी आपको जो है हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेजेस होती है, सभी किससे रिकॉग्नाइज होती है, UGC से होती है, ओके। और ये जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका, ये होता क्या है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, काफ़ी क्वेश्चन थे मेरे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि ना तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, ना ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, यह एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है, यानी कि ये जो एकदम पूरे तरह से स्वतंत्र है। किस तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि ना तो इसको जो है किसी से फंड लेना है गवर्नमेंट से अपने रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, किसी प्रकार के कोई फंड नहीं, ना तो ये किसी और के सिलेबस को फॉलो करती है, खुद से सिलेबस बनाएगी सारा ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि यह रिसर्च में, इनोवेशन में जो है अपना खुद का एफर्ट डाल के बहुत ही हाई लेवल पर ले जाती है एजुकेशन को, ठीक है, बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी प्रोवाइड करती है आपको, ये अपने रिसर्च को, इनोवेशन को एक हाईली स्ट्रीम लेवल पर ले जाती है। कैसे, क्योंकि इसको जो है ना गवर्नमेंट से फंड नहीं लेना होता अपने रिसर्च के लिए, ठीक है, अपनी टीचिंग फैकल्टी के लिए, एजुकेशन फैकल्टी के लिए जो है ये जो बच्चों से कलेक्ट करती है वही लगाती है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, ठीक है। तो हाईली रिसर्च मिलता है आपको यहाँ पे, इनोवेशन जो होता है, एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही हायर लेवल की प्रोवाइड करती है ये, ठीक है, ये एक तरह से समझा जाए ना तो ये एक तरह से बहुत ही लेवल की ब्रांड होती है। जैसे किसी को टैग चाहिए ना कि मैं बहुत बड़े ब्रांडेड कॉलेज से स्टडी करके BMS आया हूँ, तो उनके लिए है, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं है ना इतना, क्यों, क्योंकि इसकी फी स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी हाई होती है, ठीक है। भारत में BMS प्रोवाइड करने के लिए जो है कुछ ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जिसकी ईयरली फीस जो है वो 6 लाख तक जाती है, ठीक है,
विदाउट हॉस्टल, यानी कि विद हॉस्टल सिक्योरिटी मनी ए टू जेड काउंट करेंगे अगर, तो आपका जो है वहाँ पे अराउंड 8 लाख तक आपका टोटल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपके अफोर्डेबल नहीं है और आपके मार्क्स इतने भी नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, 150-200-250 के आसपास आपके मार्क्स है और बजट भी आपका लो है, यानी कि 8-10 लाख तक आपका बजट है, तो आप बिल्कुल हमारे टीम द्वारा कॉन्टेक्ट करके एक अपने मार्क्स और बजट के अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, जो सिलेबस होती है ना डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ये सिलेबस भी खुद से डिसाइड करती है, यानी कि NCERT के पैटर्न पे तो चलती है, बट एग्जाम पैटर्न जो होता है ना इसका, ये खुद से ही आपका एग्जाम पेपर भी खुद से बनाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ये कुछ बातें थी जो हमें जानना जरूरी था। आइडिया लग गया होगा आपको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होता है एक्चुअल में वो गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अप्रूवल होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज तो समझते हैं कि फुल्ली गवर्नमेंट है वो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये कौन कौन सी है भारत में जो कि BMS प्रोवाइड करती है आपको। क्या कटअप रही थी लास्ट ईयर की, ठीक है, 2020 से 21-22 तक की हम कटअप देखेंगे यहाँ पे, और उसकी जो है ट्यूशन फी भी देखेंगे कि ईयरली कितनी फी जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो पूरे भारत में जो नंबर वन पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि आपको BMS की कोर्स प्रोवाइड करता है वो है भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, जो कि पुणे में स्थित है। ओके, बात करें इसकी कटअप की अगर, तो कटअप जो था इसका 372 मार्क्स था लास्ट ईयर का, और रैंक में जो है अराउंड जो है 210,000 के नियर अबाउट रैंक रहा था। और ये जो मैं रैंक और कटअप बता रहा हूँ ना, ये मॉपअप राउंड की है, ठीक है। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में थोड़ी सी रैंक और हाई गई थी, ये लोएस्ट मॉपअप राउंड की जो मैं रैंक बता रहा हूँ आपको। ट्यूशन फी की अगर बात करें तो 5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक फ़ी पहुँच चुकी है, एक्चुअल में 4,95,000 फी है इसकी। ओवरऑल जो है मैंने यहाँ पे 5 लाख बताया आपको, बाकी इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस अलग है, उसके जो है सिक्योरिटी मनी अलग है, बाकी एडिशनल चार्जेस अलग है। ओके, नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है KLE यूनिवर्सिटी कर्नाटक में, कर्नाटक ये बेलगांव में स्थित है। ओके, तो इसी कटअप की अगर बात करें तो नीट स्कोर 255 और प्रीवियस ईयर की जो ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक थी ना इसकी, जो कि ये क्लोजिंग रैंक है क्योंकि मॉपअप राउंड की रैंक है, 4,04,769। ओके, और ट्यूशन फी जो है इसके वो था आपका 4,25,000। ओके, 4,25,000 तक जो है इसका एनुअल ट्यूशन फी रहा था। ओके, नेक्स्ट जो कॉलेज है आप देख सकते हैं डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। ओके, DY पाटिल की दो ब्रांचेस है, एक तो जो है ये पुणे में सिचुएटेड है और दूसरा जो ब्रांच इसका नवी मुंबई में है, ठीक है। पुणे वाले की जो कटअप है ना वो आपका 3,20,000 के आसपास जो है इसका रैंक गया था प्रीवियस ईयर का, और ट्यूशन फी जो है इसका 3,95,000 हो चुका है ईयरली, विदाउट हॉस्टल बता रहा हूँ मैं। ओके, और नेक्स्ट जो कॉलेज है वो डॉक्टर DY पाटिल का दूसरा ब्रांच है जो कि नवी मुंबई में स्थित है। ओके, ट्यूशन फी की बात करें अगर तो 6 लाख रुपीज़ पर ईयर है, मैं बता रहा था ना आपको कि 6 लाख तक भी कॉलेजेस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और कटअप की बात करें तो इसकी बहुत ही हाई डिमांडिंग कटअप नहीं जाती क्योंकि काफ़ी जो है इसकी फीस हाई है, तो फी हाई होने की वजह से क्या होता है कि बहुत कम बच्चे यहाँ पे जाते हैं एडमिशन के लिए। तो अगर आपका जस्ट क्वालिफाइड भी है ना, आपका अगर जो है 150 से 200 के बीच भी है मार्क्स आपको, तो आपको जो है ये कॉलेजेस इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेज है ये है आपका महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, ये जो है आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और कटअप जो थी इसकी 275। ओके, ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो जो है आपका 3,66,600 रहा था लास्ट ईयर का, और ट्यूशन फी जो है इसका 4,75,000 रुपीज़ पर ईयर होती है, यानी कि 4,75,000 आपका ट्यूशन फी हो गया, 1 लाख रुपीज़ आपका जो है हॉस्टल चार्ज हो गया ईयरली, और बाकी एडिशनल चार्जेस अलग से रहेंगे। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है येनेपोया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो कटअप थी वो मात्र 211, यानी कि 4,99,000, क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना इन सबकी ट्यूशन फी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ट्यूशन फी बढ़ने की वजह से इनकी रैंक बहुत ही कम होगी, अगर आपके रैंक 5,00,000-6,00,000 के आसपास भी जाता है ना, क्योंकि ये जो मैं आपको रैंक बता रहा हूँ ये जो है मॉपअप राउंड की है, ठीक है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और भी डाउन जाएंगे इसकी कटअप, ठीक है। तो अगर इसकी ट्यूशन फी जो है वो 3.2 लाख तक है पर ईयर की। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, ये भी जो है आपको चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है ये कॉलेज। कटअप जो है इसकी वो 5,10,000 तक गई थी लास्ट ईयर, और ट्यूशन फी जो है इसकी अराउंड आपका जो है 3,00,000-3,20,000 के आसपास रहने वाला है इस साल का। लास्ट ईयर 3 लाख था,
इस साल में भी 3,20,000 जो है इसकी ट्यूशन फी हो सकती है। तो ये थी सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपको बीएमएस की कोर्स प्रोवाइड करती है। और भी बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है भारत में जो कि आपको बीएमएस की कोर्स प्रोवाइड करती है, बट हमने यहाँ पे वही यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है जो एक बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।